आज हम आप लोगों के लिए बहुत सारे फल लेकर आए हैं और खाने को भी मिलेंगे, ये भी पता है, पर अभी नहीं मिलेंगे, पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे, फिर हम लोग ये फल लाए हैं, मिल बांट के खाएंगे। वो तो यहाँ की बात है, यहाँ हम फल लाए हैं, पर अगर हम अपने घर ले जाते फल तो अपने परिवार वालों को बांट के खाते। भाई सभी के अपने अपने परिवार होते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं? छह लोग। कौन कौन? भैया, पापा, मम्मी, मामा, मौसी। अच्छा, और आपके घर में? चार लोग। कौन कौन? हम, मम्मी, पापा, भैया। तो मतलब आपके एक परिवार में भी कुछ लोग होंगे, है ना? इसी तरीके से आप देखते हैं इस पृथ्वी पे बहुत सारे परिवार रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और एक कभी आपने ऊपर की तरफ नजर डाली है, रात के समय आकाश में क्या दिखाई देता है? तारे। बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो तारों के विषय में एक खास बात आपको बता दें कि ऊपर भी बहुत सारे परिवार रहते हैं, तारों के परिवार। और आज ऐसे ही किसी खास परिवार के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, जिसकी की सदस्य हमारी पृथ्वी भी है, जिसपे हम लोग रहते हैं। तो उसकी बात करने से पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो आज हम लेके आए अपने साथ, ये क्या चीज लग रही है? सूर्य लग रहा है। तो ये क्यों लग रहा है आप बताइए? ये गोल है। आप बताइए, सूर्य लग रहा है? जी, क्योंकि ये पीला है। गोल है। आप? क्योंकि इसमें रोशनी है। इसमें रोशनी है। और आप? क्योंकि ये बड़ा है। ये बड़ा है, गोल है, इसमें रोशनी है। तो सूर्य भी ऐसा ही होता है, गोल है। ये बता सकते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो हम लोग को कैसा लगता है? गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि सूर्य में गर्मी होती है। सूर्य में गर्मी होती है। जानते हैं कितनी गर्मी होती है सूर्य में? इसकी सतह पर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, और उसके पास तो हम लोग जाने की सोच भी नहीं सकते। पहुंच सकते हैं? नहीं। चंद्रमा पे तो हम लोग उतर चुके हैं, सूर्य पे उतर सकते हैं? नहीं। पास भी नहीं पहुंच सकते। तो ऊपर आप देखेंगे तो आपको सुबह ये सूर्य दिखता है। मान लीजिए ये सूर्य है, और ये जो फल हम लाए हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए, ये देखिए, ये एक छोटा सा फल है, इसका नाम अभी आपको बताते हैं। इसका काम क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, है ना? ऐसे ये परिक्रमा करता रहता है, और सूर्य, आप पकड़ लीजिए इसको अपनी जगह पे स्थिर, और ये परिक्रमा करता है। और ये दूसरा है, ये दूसरा भी फल, चक्कर लगाइए इसका। हाँ, ये लगाइए, ठीक है, जरा जल्दी से इसको यहाँ बैठा दें। और ये तीसरा, ये कैसा लग रहा है? पृथ्वी। ये पृथ्वी आप लोग पहचान गए, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और ये भी, ये उसके बाद ये एक और ग्रह है। इस तरीके से ये 9 आकाशीय पिंड हैं जो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों ओर। लगाते जाइए, लगा लगा के दीजिए, आप रखिए, आप ये लीजिए दूसरा बड़ा वाला, लगाइए जल्दी से चक्कर, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और इनका सबका निश्चित पथ होता है, जैसे हम लोग सड़क पे यातायात करते हैं, चलते हैं, तो पैदल लोग कहाँ चलते हैं? सड़क पे। किस तरफ चलते हैं? फुटपाथ पे, है ना? उससे तेज वाहन और इधर, और बहुत तेज वाहन बीच में चलते हैं। इसी तरीके से ये जो आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी एक खास पथ पर ही चलते हैं, ठीक है? और अगर ये गड़बड़ कर देंगे तो क्या होगा? चलाते जाइए, बातें भी करते जाइए, ये कोई रुकता नहीं, सबका अपना काम चलता रहता है। हाँ बताइए, अगर ये गड़बड़ कर देंगे अपने पथ में तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगी, पर ऐसी होती नहीं है। तो आपको ये जो हमने दिखाए फल इतने सारे, और ये सूर्य का चक्कर लगाते हुए, तो इनके विषय में आपको बताएं, इनके नाम क्या हैं और इनको क्या कहते हैं। पहले तो इसको लें, ये सूर्य, ये आपने कहा चमकता है, गर्म है। ये गर्म क्यों है? क्योंकि इसमें आग है अंदर, है ना? और इसका तापमान बहुत अधिक है, तो जो, और इसी वजह से इसमें से रोशनी निकलती है। तो जो स्वयं की रोशनी देता है उसको क्या कहते हैं? तारा। अब सूर्य एक तारा है, ये याद कर लीजिए आप लोग, ये नहीं कि जो रात को जो टिम टिम निकलते हैं वही तारे हुए, सूर्य एक तारा है। और उसके चारों ओर जो ये आकाशीय पिंड परिक्रमा कर रहे हैं, इनको ग्रह कहते हैं। जी, उनको क्या कहते हैं? ग्रह। अब ये देखिए चित्र से आप समझिए, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध, फिर शुक्र, फिर अपनी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, वरुण, अरुण, और सबसे दूर यम। 9 ग्रह हैं, इसको कहते हैं सौर परिवार।
क्या कहते हैं? सौर परिवार। सौर परिवार। तो सौर परिवार के विषय में तो आपको समझ आ गया जी। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे हम बता रहे थे कि पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ये जो ऐसे सीधी नहीं रहती कभी भी, ये थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है जी। ये अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और जैसे लट्टू घूमता है ना, वैसे घूमती है, देखो लगातार ऐसे घूमती रहती है, घूमती जाती है, और साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है, ठीक है। ये देखिए, सूर्य की परिक्रमा कर रही है और अपनी धुरी पर भी घूम रही है, और थोड़ी झुकी हुई है, इसकी दिशा थोड़ी सी झुकी हुई है। तो अब हम इस पे आपको एक गोलार्ध बना के दिखाते हैं। ऊपर कौन सा गोलार्ध होता है? उत्तरी गोलार्ध है ये, मान लीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे कौन सा होता है? दक्षिणी। दक्षिण। अब लीजिए, ये सूर्य है जैसे, अब इसके इस तरफ आई पृथ्वी, तो क्या हुआ, झुकी हुई है थोड़ी, तो इस पे कितनी किरणें पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध पे, ये दक्षिणी में, इनमें बताइए किसमें ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, किधर किरणें इसकी ज्यादा पड़ रही है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी पे देखो, इधर की तरफ है सूर्य की तरफ, और ये पीछे की तरफ है, तो इधर ठंडा होगा और इधर गर्म होगा, इधर गर्मी पड़ेगी और इधर ठंडा पड़ेगा। और एक सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी समय लगाती है पूरे एक साल का। मान लीजिए आपका बर्थडे एक आया, जन्मदिन आया, फिर अगले जन्मदिन के बीच वापस पृथ्वी उस जगह पे आ चुकी होगी, ठीक है, पूरा एक साल लगता है। तो जब ये 6 महीने बाद इधर पहुंची, तब क्या हुआ, ये तो ऐसे ही घूम भी रही है जी, है ना, इस तरीके से घूम रही है, और घूमते घूमते अब ये हुआ उत्तरी गोलार्ध किधर की तरफ हो गया, सूर्य से दूर हो गया, और क्या पास हो गया सूर्य की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध पास हो गया। तो अब सब लोग इस चित्र को देखिए, ये जून का समय है, उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की बहुत किरणें पड़ रही हैं, और दक्षिणी गोलार्ध दूर है। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, घड़ी तो इस तरफ चलती है, घड़ी की सुइयां, पर ये जो चक्कर लगाती है उल्टा लगाती है इस तरीके से। तो जब यहाँ पे आई तो ये उत्तरी गोलार्ध में जाड़ा हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो गई। अब समझ आ गया सबको किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है जी। इसके बीच में और भी ऋतुएं पड़ती हैं गर्मी और जाड़े के अतिरिक्त, कौन सी पड़ती हैं? बसंत ऋतु। बसंत पड़ती है, वर्षा ऋतु। हाँ, जब वर्षा ऋतु आती है, पानी बरसता है, तो वर्षा ऋतु आ गई, ठीक है जी। ये ऋतु चक्र था जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, पर ऋतु चक्र क्यों हुआ, ऋतु परिवर्तन क्यों हुआ, तो उसके विषय में भी आप लोग को बताएंगे। देखिए, पृथ्वी द्वारा सदैव एक ही दिशा में झुकी धुरी के साथ सूर्य की परिक्रमा के फलस्वरूप पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो सूर्य तो तारा हुआ, पृथ्वी उसका ग्रह हुआ, ठीक है, और ये चंद्रमा उपग्रह हुआ, इस ग्रह का उपग्रह हुआ, ठीक है। पृथ्वी छोटा है ना जी, अभी जी। सूर्य की परिक्रमा कौन करा? पृथ्वी। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करा? चंद्रमा। चंद्रमा ये प्राकृतिक उपग्रह है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा, और हो सकता है आप लोग को पता भी हो, कि मानव ने भी उपग्रह बनाया हुआ है। कभी सुना आपने, मानव ने बनाया, कौन सा बनाया? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। हाँ, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारे भारत ने बहुत सारे उपग्रह भेजे हैं आकाश में, तो कौन कौन से भेजे, उनके कुछ आपको नाम हम बताते हैं जो भेजे हैं। भारत द्वारा भेजे गए मुख्य उपग्रह हैं आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट ए 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, ठीक है ना। उपग्रह ग्रह के परिक्रमा करते हैं। तारों को कभी ध्यान से देखा है कि उनमें कभी कोई आकृति सी बन रही हो, कोई समूह हो सितारों का, आपको किसी से मिलता जुलता दिखे, कभी देखा है, ध्यान दिया, कभी आपको महसूस हुआ ऐसा? क्वेश्चन मार्क जैसा लगा, और आपको कभी कुछ शेर जैसा? तो वाकई ही जो सितारे होते हैं, एक खास प्रकार की आकृति भी कहीं कहीं बनाए होते हैं कुछ समूह। जैसे ये देखिए, इस चित्र में आप देखिए, ये तारे हैं और इनसे एक आकृति बन रही है शेर की। तो जो ये विशेष आकृति के तारे होते हैं, जो समूह से लगते हैं, समूह जो है और कोई विशेष आकृति बना ले, तो उसको क्या कहते हैं? तारा मंडल।
विशेष आकृति के तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ऐसी बहुत सी आकृतियां आकाश में बनती हैं। अब एक बार हम लोग फिर से ग्रहों के नाम बोलते हैं। किंशु सबसे पहले आप बताइए कि सूर्य के पास कौन कौन से ग्रह हैं? शुरुआत से बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब आप बताइए। मंगल बृहस्पति। और अब आप बताइए। शनि वरुण। ज्योति ने बताया अरुण और यम आखिरी ग्रह है। ठीक है, सूर्य के साथ ही नौ ग्रहों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सौर परिवार। तारामंडल, ऋतु परिवर्तन, याद रहेगा जी। याद रहेगा तो अब हम लोग भी बैठ के फल खाएंगे मीठे मीठे, और आप अगर इसमें मेहनत करेंगी, पढ़ाई में मेहनत करेंगी, तो आपका परीक्षा फल भी कैसा होगा? मीठा मीठा होगा।